मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने से एक बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार को ग्वालियर राजघराने की राजमाता और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से दिल्ली के एम्स में ही उनका इलाज चल रहा था। ग्वालियर राजघराने की राजमाता और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां होने के अलावा उनकी खुद भी काफी बड़ी शख्सियत थी। माधवी राजे सिंधिया नेपाल के राणा राजवंश की राजकुमारी थी। उनके दादा और राजवंश के प्रमुख युद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ग्वालियर के तत्कालीन महाराज माधव राव सिंधिया के साथ माधवी राजे सिंधिया की शादी 8 मई 1966 को हुई थी। उस समय इस शादी ने काफी चर्चाएं बटोरी थी। दरअसल महाराज माधव राव की बारात ग्वालियर से दिल्ली ट्रेन से गई थी। शादी से पहले उनका नाम किरण राज लक्ष्मी था, लेकिन ग्वालियर राजघराने की परंपरा के अनुसार शादी के बाद उन्हें माधवी राजे सिंधिया नाम दिया गया। माधव राव सिंधिया के निधन के बाद वो ग्वालियर राजघराने की सबसे सीनियर सदस्य थी। इस शादी का एक किस्सा बहुत सुर्खियों में रहा। यह किस्सा किरण राज लक्ष्मी और महाराज माधव राव की शादी तय होने के बाद का है। बताया जाता है कि माधव राव ने सिर्फ किरण राज लक्ष्मी की एक तस्वीर देखकर इस शादी के लिए हां कर दी। वो शादी से पहले ही किरण राज लक्ष्मी से मिलना चाहते थे। परिवार की बंदिशों ने ऐसा नहीं होने दिया। वहीं माधव राव सिंधिया काफी बड़ी संख्या में लोगों को ग्वालियर से बारात में ले गए थे, जिसके लिए ग्वालियर से दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलवाई गई। सूत्रों ने बताया कि पिछले 3 महीने से एक प्रमुख अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वो निमोनिया के साथ साथ सेप्सिस से भी पीड़ित थी। 70 साल की राजमाता ने दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। वो पिछले 3 महीने से यहां एडमिट थी। सुबह 9:28 पर उनकी मृत्यु हो गई और वो आखिरी कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी।